दिखाएंगे का पहन के दिखाओगे ना? हाँ पहन के अंडर पैंट पहन के दिखाएगा। एक ही पहना ना बंडी का। एवरीवन मैं आई हूँ छत पे, मैं यहाँ का नज़ारा कुछ आपको कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ। ये मेरी छत का हाल है। नहीं बेटा उसको ऐसे रहने दीजिए, आप बस पीजिए। नहीं बन रहा। एवरीवन गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ब्लॉग सुबह स्टार्ट हो गया था। आज मैं बना रही थी, क्या बना रही थी? कोफ्ता। और कोफ्ता बनाने का सबसे बड़ा रीज़न था, वो भी किस चीज़ का कोफ्ता? कोफ्ता किसी भी चीज़ का बन सकता है, लेकिन बट मैं बनाई थी केले के कोफ्ते। तो केले के कोफ्ते क्यों बना था, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। उसे मैं वीडियो को फूल पकौड़ी के साथ। अच्छी लग रही है क्या रोटी? उसका वो भी खाओ बेटा, बीच वाला पार्ट वो भी अच्छा लगेगा। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब चलिए केले का कोफ्ता बनाने की जो सिस्टम होते हैं स्टार्टिंग हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए केला मेरा कुछ इस तरीके से, मैं तो खड़ा ही बॉईल करना चाह रही थी बट मम्मी को नहीं मालूम था तो मम्मी ने कट कर दी थी। तो मैं बोली अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कट करके ही हम लोग इसे उसे अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कट करके साफ़ कर ले रही थी, छील भी थी इसी अकॉर्डिंग, क्योंकि जब छोटा छोटा हो गया था तो मैं सोची लाओ छील भी ले, इसे पकाने में अजीब सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी एक बाउल में ले ली हूँ। ये मेरे बैंगन है जिसमें मैं नमक भी थोड़ा, नमक को इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हमारा जो नमक हो वो हमारे केले के बॉईल करने में, क्योंकि बिना छिलका वाला केले के जब बॉईल करेंगे तो उसमें एक जॉब हो जाए, नमक की मात्राएँ बहुत अच्छे तरीके से केले में भीग जाए, इसीलिए मैं नमक इसमें डाल के थोड़ा बॉईल कर रही हूँ। ऐसे तो लोग सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, किसी के तरीके अलग होते हैं, कोई खड़ा ही बॉयल वैसे ही कर देता है, कोई कट करके करता है। बट हमारे यहाँ थोड़ी सी ये चीज़ हो गई थी कि मम्मी को नहीं मालूम था, मम्मी कट कर दी थी, तो मैं सोची लाओ पूरा कट करके ही अब बॉयल करती हूँ छील के। इससे और भी फायदे हो गए, फ़ायदा ये हो गया कि इसमें नमक डाल के मैं बॉईल कर सकी हूँ। तो यहाँ रख दी हूँ, रखने जा रही हूँ गैस पे। तो यहाँ गैस पे मैं अब रख दे रही हूँ, ये मुश्किल से मुझे लग रहा है 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा इसको बॉईल होने में। और केला तो इतना नरम होता है तुरंत वो गल ही जाता है, तो बस मैं 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ और इसका पेस्ट तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमारा कोफ्ते के लिए बनाने पकौड़ी बनाने के लिए सामग्री चाहिए उसके लिए ये है लहसुन, 2 मिर्च, लाल और इसे मैं रखी हूँ। मेरा और मसाला पिसा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए मेरा केला जो है बॉयल हो चुका है और मैं इसे निकाली हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसे जो पेस्ट इसका बनाना है जिस तरीके से बाउल बनाना है उसको मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। तो यहाँ देखिए लहसुन मचा अदरक का पेस्ट है और यहाँ बेसन 2 चम्मच है, इधर ये है और ये केला है। अब मैं सारा इसमें ऐड करूँगी, फिर इसके बाद इसमें जो जो सामग्री जैसे नमक हुआ, थोड़ा सा गर्म मसाला हुआ, हल्दी पाउडर हुआ, ये सब चीज़ सारी इसमें ऐड करूँगी। और ऐड करने के बाद अभी मैं दिखा रही हूँ कि देखिए थोड़ा सा एक गरम मसाला मैं डाली, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 चम्मच इसे मान के चलिए, क्योंकि इसमें मसाला उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। और मैं नमक इसमें बॉईल की थी तभी मैं नमक भी इसमें डालूँगी। थोड़ा सा पहले इसे अच्छे तरीके देखती हूँ क्या करना है, मैं करती हूँ और अच्छे तरीके से सब चीज़ बना के मैंने यहाँ पेस्ट तैयार कर लिया। और पेस्ट तैयार करके इस तरीके से दे, तो गाइस यहाँ पे देखिए ये बाउल बना रही हूँ। बाउल बना बना के मैं इस तरीके से इसे अब मैं इसे तलूँगी और तलने के बाद बहुत अच्छे थोड़े से लो फ्लेम पे आपको इसको तलना होगा। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा बाउल करके बना रही हूँ। बाउल इसमें ऐड करूँ, जितना ही बाउल बनता जाएगा धीमे 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 इसे लो फ्लेम पे तलती जाऊँगी, तल के फिर निकालूँगी। तो इसी तरीके से सारे मैं करके निकाल लूँगी। तो मैं सोच चलो आप लोग वीडियो को इन्जॉय कर। तो गाइस
यहाँ पे देखिए ये बाउल इस तरीके से कुछ बन के और अच्छे तरीके से तल गया है, तो काफ़ी देखने भी अच्छा और खाने भी बहुत स्वादिष्ट है। क्योंकि उसी समय सुबह की मॉर्निंग के टाइम मैं बना रही थी, तो बच्चों को छोड़ के ये आए तो ये देखे तले कर क्या बना रही हो, मैं बोली पकौड़ी, बस खाने लगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा देखेंगे इनको खाते हुए खड़े थे, मैं उस क्लिप को भी ले रही कि ये ना लगे कि झूठ है। तो यहाँ मैं अब ग्रेवी सारी तैयार करूँगी। तो हाँ, ये किस वजह से बनना था ये भी बता रही हूँ, मेरी सासू माँ के बोलने पर ही तैयार हुआ था। उन्होंने बोला मैं ऐसे कोफ्ता तो खाई हूँ पर इस तरीके से अपने हाथों से सामने बना के कभी नहीं खाई होंगी, तो मैं इसी वजह मैं बनाई। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते मैं ऐसे ऐसे छेदा कर रही हूँ कि अच्छे तरीके से इसमें, जैसे इसमें सारे रस्से जो होते हैं ग्रेवी भी अच्छे तरीके से जॉब हो जाए, तो यहाँ पे मैं इसीलिए कर रही हूँ। तो हाँ, तो इसलिए वो रुका हुआ बात रुक गई थी कि सासू मामी ने बोली मैंने इस तरीके से कभी नहीं खाया है, सामने बनते हुए देख के या बना के नहीं खाया है कि कैसे केले के कोफ्ते बनते हैं। तो ये बात तो मुझे लग गई कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, तो मुझे बना के खिलाना पड़ेगा। तो पहले मैं नहीं तो ऐसे सब्जी बना के खा देती हूँ खा रही, तो मैं इसलिए मैं सोची कि नहीं पहले मैं बनाऊंगी और इन्हें केले के कोफ्ते ही खिलाऊंगी, नहीं तो मैं तो इतनी मेहनत नहीं सुबह के टाइम में करती, मॉर्निंग के सब्जी ही बना देती। बट उनकी वजह से, सासू माँ की वजह से इतनी बड़ी डिसीजन लेना पड़ा केले कोफ्ते के लिए, तो इसका यही बहुत बड़ा रीज़न था कि सासू माँ को नहीं, अपने सामने कभी बनाई भी नहीं थी, खाई भी रही होंगी लेकिन बनाई नहीं थी, तो उन्हें लगा मैं नहीं जान रही। तो इसमें सारे मसालों सारे जो प्याज लहसुन था ये सब मसाले सभी लोग जानते हैं कैसे बनते हैं, तो यहाँ ग्रेवी मैं तैयार करी तो यही सब्जी थी। तो हाँ, सासू माँ के ही ऐसी बात कह दी कि ये बनाने पर मजबूर हो गई मैं, तो मजबूर होना ही था। अगर ऐसी बात कोई भी आपके घर में कहते तो ये लगता है कि नहीं ये करके खिलाना चाहिए। तो वहाँ बाबू ब्रश कर रहा था, बाबू नहीं गया था, तो ये मैं दिखा रही हूँ। बेटी को काफ़ी पसंद आ रहा है खाने के लिए, उसको उसकी कढ़ी की भी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसमें कोई दो बात नहीं है। ऐसे कैसे आ, तो यह मसाला भी मेरा बहुत अच्छे तरीके से भुना रहा है और भुना ही गया है, तो इसी अकॉर्डिंग तो मैं इसीलिए सोच कर सारी चीज़ें बनाई कि ऐसा ना हो कि मम्मी जी बोल दिए और मैं बनाऊँ ना। जैसे हमेशा केला नहीं मिल पाता है इधर के एरिया में जहाँ मैं हूँ, अब कभी कह देती हूँ तो कोई सब्जी वाले भैया लेते आते, ये तो पापा लेते आए थे जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ से, तो मैं सोची चलो नहीं मैं बना ही देती हूँ सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन मैं बच्चों का टिफ़िन फिन देने के बाद मैं इसे ही बनाना स्टार्ट कर दी। तो ये देखिए इसकी ग्रेवी कुछ इस तरीके से बन के तैयार, यहाँ पकना स्टार्ट हो रहा है और जब ये अच्छे तरीके से पक जाए, पानी पक जाएगा खोलने लगेगा, तब मैं इसमें जो बाउल है कोफ्ता है उसे मैं ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा रसा मैंने बढ़ा दिया इसलिए कि इसे खाना है चावल से सुबह की मॉर्निंग के टाइम है, रोटी से तो खाना नहीं है। रोटी के लिए खाने के लिए मैं तरुई की सब्जी बनाई थी, तो वो नाश्ता वगैरह मम्मी या पापा खा के चले जाएंगे, पापा तो भोजन ही करेंगे तो करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से अभी बाउल जितना ही पकेगा एक दो पीस तो मैं इसमें फोड़ दूँगी कि थोड़ा सा थिक हो जाए इसका जो ग्रेवी हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आए, पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिले आप लोग, अभी मैं बात करती हूँ। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है और आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे क्या है। तो इस वीडियो को बड़ा था इसलिए मैंने जो है कि कोफ्ता बनाया, उसी कारण ने मेरा खा रहा है कोफ्ता और रोटी मैं खाऊंगी कोफ्ता। और क्या ये देखिए कटोरी में पड़ा है कोफ्ता, और क्या अभी रोटी का खुला हुआ है, कैसरोल खुला था, बाबू को रोटी दी थी ना इसलिए। तो अभी मैं चली हूँ चावल और ये कढ़ी इसका लेकर खाने, कढ़ी मतलब कोफ्ते की ग्रेवी जो होती है रसे उसे उसको खाऊंगी और अचार खाऊंगी। दोपहर में मैं रोटी नहीं खाती और सुबह में रोटी खाती ही नहीं हूँ। कारण है कि जैसे होता है क्या कि मैं नाश्ता तो करती नहीं, और जब मैं दोपहर को 1 बजे खाना खाती हूँ 1-2 बजे बस मैं चावल दाल सब्जी खा लेती हूँ, यही खा के रहे रोटी नहीं खाती हूँ। दिन का मैं रोटी सुबह में नहीं खाती हूँ, बहुत कभी भूले भटके हो सकता है वो खा लेती हूँ ऐसे डेली नहीं, तो नहीं है। तो चलिए मैं पहले खाती हूँ, खाने के बाद फिर आप लोग से बात करती हूँ, दिखाती हूँ क्या खाती। मैं यहाँ बैठ के अपने किचन के ही पास देखी किचन अंदर लेके बैठ गई हूँ खाने, तो अभी मैं खाती हूँ, खाने के बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ।